सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ लर्न विद गुरुजी। सो आज हमारे साथ जो है मोटिवेशन स्पीकर, ऑथर और संजीव शर्मा इनका नाम। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपको अभी इस समय 800 दर्शक देख रहे हैं और ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लर्न विद गुरुजी में पढ़ते हैं और ये बोर्ड, कुछ इनमें से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं। तो सर आप उनको थोड़ा गाइड करेंगे, तो सर अपने बारे में बताइए कुछ। मैं संजीव शर्मा हूँ, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच, और मेरी 11 किताबें मेरी निकली हुई हैं मोटिवेशन की। जो मेरी सबसे बेस्ट मोटिवेशन बुक है वो है सफलता का मार्ग, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन्फीबीम, नोशन प्रेस और स्नैपडील में आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बेस्ट मोटिवेशन बुक गई है वो। और साथ में मैंने धर्मशाला इन नटशेल एक बुक लिखी है एज ए व्यू पॉइंट ऑफ टूरिस्ट व्यू पॉइंट के लिए, तो वो भी अमेजोन में है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, धर्मशाला इन नटशेल बुक को भी मंगा करके। और बाकी मेरी बुक्स आधुनिक सोच, नया विकास है, सफलता के व्यवहारिक आम हैं, गद्दी ऑफ हिमालयाज है, हिमालयन योगा है, और अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ मैं आजकल। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, तो आप सफलता का मार्ग, आप में से कई जो विद्यार्थी होंगे वो अभी बोर्ड के लिए या फिर किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो इन किताबों को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से जो है वो मंगवा सकते हैं। जो सफलता का मार्ग किताब को पढ़ेगा यकीनन जो उसके उसमें बताया गया कि गोल को कैसे प्राप्त करना है, जो टारगेट आप लेके चले हैं कैसे उसको प्राप्त करना है, दिनचर्या में किस तरह अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना है अपने गोल के साथ, तो वो सब आप सफलता के मार्ग किताब में पढ़ सकते हैं और कई शानदार टिप्स आपको उस बुक्स में मिलेंगे जब आप उस बुक को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनमें तो आगे जाके अपने गोल्स जो है इन्होंने बनाए हैं, तो उनको किस तरह से मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से अपना डिसिप्लिन जो है वो बनाना चाहिए, अपने गोल की तरफ एक एकत्रित ध्यान लगाना चाहिए। गोल का ऐसा है कि गोल में आप एक तो दिनचर्या अपनी बना लो, रूटीन बना लो कि मुझे रेगुलर आज ये काम करना है, स्टडी करनी है, स्टडी के लिए अलग टाइम रखो, खेल के लिए अलग रखो, और अलग अलग काम पर जो रूटीन आपने पकड़ी होगी वो रूटीन आपकी छोड़नी भी चाहिए। जो एक मैक्स जो गोल होता है स्टडी का कि मेरे को इस दिन मेरे को इतने पढ़ना है तो पढ़ना ही है उस टाइम, तो वो एक रूटीन होती है, वो रूटीन नहीं छोड़नी चाहिए दिनचर्या की। जब आप इस तरह रूटीन बनाते हो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है, जब एक बार हैबिट बन जाती है तो मेंटेन रहती है, और मेंटेन रहती है आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब अपना गोल अचीव कर लिया। तो जैसा कि आपने सुना, तो आज के जैसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारी एज है 10, 12, 11, 12, तो इसमें कई सारी डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो स्टूडेंट्स आई जाती हैं, तो उस तरह से उस डिस्ट्रैक्शन से किस तरह बचा जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। ऐसा है कि जो ये एज होती है 10th, 11th, 12th, ये बहुत ही मान्य एज रखती है लाइफ बनाने के लिए, नहीं तो आप इस एज में लाइफ अपनी गवा दो, नहीं तो आपने इस एज में आप लाइफ बना दो। अगर आप इस एज को, इस टाइम को आप मजाक में लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ मजाक बन के रह जाएगी। अगर आप इस टाइम में सीरियस लेते हो और इस टाइम का सदुपयोग करते हो और अपनी जो गोल हैं उसकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित रहते हो तो आप 101% आप लाइफ में कामयाब होंगे। और जो ये जो एज होती है ये एक भटकने वाली एज भी होती है, कि अक्सर क्या होता है कि लड़के बहकाव में आ जाते हैं, कि संगति का असर पड़ता है, तो उस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, अवॉइड करना है, ध्यान में रखना है, और अपने गोल के ऊपर बिल्कुल आकर्षित रहना है। क्योंकि कुछ बाहर आप लोग मिलेंगे तो आपको कुछ ऐसे संगति मिल जाएगी जिससे आपकी दिशा ही चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिशा को चेंज नहीं करना है। अगर आपने दशा बनानी है अपनी, एक अच्छी दशा बनानी है, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, एक अच्छी लाइफ बनानी है, जो दिशा है उस दिशा को चेंज नहीं करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है, तो आज जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज भी हैं, कोई पेरेंट्स के दबाव में कंफ्यूज है, कोई सोच रहा है हम ये कर लें, कुछ वो कर लें, तो कंफ्यूज और मतलब प्रेशर भी बहुत है, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए। उसके लिए कि आप रेगुलर अपनी मोटिवेशंस की बुक्स पढ़ें और मोटिवेशंस की बुक पढ़ें और अपनी किताबों में ज़्यादा ध्यान दें, जबकि आप सबसे सच्ची जो दोस्त होते हैं और मित्र होते हैं वो हमारी बुक्स होती हैं। जो बुक में हमें सीखने को मिलता है वो कहीं ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि बुक में कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जिसे आप अमल करोगे। अगर बाहर में कोई व्यक्ति आपको बताता है तो आप बोलोगे यार ये मेरे को क्यों बोल रहा है ऐसे, अगर बुक की लिखी हुई चीज़ आपको पर बोलोगे आप बोलोगे यार नहीं ऐसे बुक में बताया है, मेरे पास ये कमी है तो मैं उस कमी को सुधारूंगा। तो इस चीज़ लिए आपकी सबसे अच्छी सहपाठी, आपके अच्छे सहयोगी एक किताबें हैं,
तो किताबों से दूर मन ना जाएं, किताबों में ही रहें और किताबों की दुनिया में रहें और अपने गोल पे बिल्कुल 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 ध्यान दें, फिर कि मुझे अपना गोल हर हाल में पूरा करना है, चाहे परिस्थितियाँ किसी भी कैसी भी आ जाएं, मुझे अपने गोल और मेरे को अपनी दिनचर्या खराब नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, और आप जैसे योगा के उसमें भी जुड़े हुए हैं, तो योगा की फील्ड में भी आप हैं, तो क्या आपको लगता है कि योगा जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस से जो है इन स्टूडेंट्स को निकाल सकता है? हाँ अगर आपको बिल्कुल। उन्होंने ज्वाइन करना हो, आपके इंस्टीट्यूट में आना हो, तो कुछ बताएं उन्हें कि किस तरह से वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर योगा सकते हैं आपके योगा इंस्टीट्यूट एक तो क्या है, योगा जो है योगा एक प्रणाली है, एक विधि है, एक विद्या है जो प्राचीन विद्या भारत की है और भारत के ऋषि मुनियों ने इस विद्या को चलाया हुआ था और आज इसकी ज़रूरत, आज के दौर में योगा की बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है हिमालयन योगा करके, तो हिमालयन योगा करके आप रक्कड़ में आ सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में मेडिटेशंस की हमारी क्लास होती है मॉर्निंग की। मेडिटेशंस में अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन होती है, अष्टंगा योगा होता है, हठा योगा होता है, विन्यासा योगा फ्लो होता है और हिमालयन योगा स्टडी हम करवाते हैं, वैदिक नॉलेज हम करवाते हैं साथ में और एनाटॉमी पूरा हम उसका गाइड करते हैं किसी भी एज के जो किसी भी, है और कुंडली व्यक्ति? योग हम करते हैं। तो कोई किसी प्रकार का व्यक्ति यानी किसी भी तरह का इच्छा रखता है कि मुझे योग करना है, योगा सीखना है, तो वो योगा सीख सकता है। ठीक है, तो और हाँ, गूगल में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं हिमालयन योगा रक्कड़, आप गूगल ये में फेसबुक डालोगे, में भी है, फेसबुक में इंस्टाग्राम हिमालयन में योगा भी। हाउस है, इंस्टाग्राम में हिमालयन योगा है और गूगल में हिमालयन योगा रक्कड़ लिखोगे तो पूरा डाटा आ जी, जाएगा। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि अगर आपको कुछ भी परेशानी है, कुछ भी अगर योगा कर आप योगा की फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो वो भी आप परस्यू जो है वो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स और इससे भी जुड़े हुए हैं, तो वो थोड़े इस बात में भी कंफ्यूज है कि हम स्पोर्ट्स को या चलाएं या क्रिकेट या फिर पढ़ाई को या फिर किस, तो उस बारे में कुछ बताइए एक्चुअली कि क्या है कैसे इसको कि दूर किया स्पोर्ट्स तो जाए। बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई का ध्यान विशेष रखना ज़रूरी है। विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है लाइफ। अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है, पर आपको एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा स्तंभ है जो आपको लाइफ टाइम आपके काम आएगा। अगर आपने कोई एजुकेशन ली होगी तो परिस्थितियाँ कैसी भी होंगी तो आप उस परिस्थितियों से बाहर निकल आएंगे, तो इसलिए एजुकेशन को कभी ना छोड़ें और स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन को करते हैं। ठीक बोल रहे हैं, तो ये देखिए इसका भी उत्तर हमें मिल चुका है, और मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो ये हिमालयन योगा का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और जो इनकी किताब है सफलता का मार्ग, सफलता का हाँ मार्ग उसका भी जो लिंक, और मैंने खुद यकीन मानिए वो मैंने खुद भी पढ़ी है, और वो बहुत ही मतलब मोटिवेटेड बुक है। आप एक तरह आपका ध्यान जो है ना, मतलब बीस्ट मोड जिसे आप कहते हैं, कि आपकी लगन लग जाएगी अपने आप से, मतलब दुनिया से कोई किसी का कोई कुछ मतलब नहीं, वो इस तरह की किताब है। तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हैं, और अगर आपको हिमालयन योगा में आना है तो इनके पास भी जो है या वो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील में आप हाँ बाई कर सकते जो हैं आप उनसे इनसे सफल। कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले कुछ दो तीन सवाल मैं आपसे हाँ पूछूंगा। जी। तो जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रगल एक जो टर्म है, आप जानते हैं स्ट्रगल कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ जो आज के टाइम में शॉर्टकट जो ढूंढते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, वो शॉर्टकट नहीं, आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है या स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, उस बारे में कुछ बताइए हमें कि स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए। स्ट्रगल, संघर्ष तो जब से इंसान पैदा हो जाता है तब से संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष से तो वैसे भी नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष करना एक प्रवृत्ति, अगर संघर्ष करेंगे तो आजीविका चलती है, तो संघर्ष से आपने बिल्कुल नहीं डराना। और शॉर्टकट कोई नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का एक मूल मंत्र है मेहनत। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, वही कामयाब होगा। कामयाबी किसको मिलती है? जो मेहनत ही होता है। कभी घर बैठे किसी व्यक्ति को कामयाब हुआ? कोई नहीं नहीं, हुआ आज तक। कोई सफल कौन हुआ है? सफल वो हुआ है जिसने मेहनत की है, जिसने अपनी फील्ड में एकत्रित होकर काम किया है और दिन रात मेहनत किया और उस अपने काम में बिल्कुल लगन के साथ लगा रहा है, वही सफल हुआ है। आज दिन तक इतिहास गवाह है कि संघर्ष जिसने किया है वो सफल जरूर हुआ है। संघर्ष के साथ इनर मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, आंतरिक मोटिवेशंस और मोटिवेशन प्रेरणा भी आपको लेनी चाहिए। और संघर्ष तो एक प्रवृत्ति है, जन्मजात प्रवृत्ति है, शुरू से जैसे बचपन से इंसान पैदा हो जाता है तो वहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इस संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष कठिन होगा तो उसको भी अपनाओ, क्योंकि जब संघर्ष करने के बाद, आप एक कठिन दौर करने के बाद, एक संघर्ष करने के बाद जब आप निकलते हो तो आपकी एक अचीवमेंट निकलती है, आपकी सफलता मिलती है, और जो वो सफलता पूरे तमाम उम्र आपकी लाइफ टाइम तक आपकी अचीवमेंट बन के रहती है। इसलिए संघर्ष से कभी नहीं घबराना। तो ये देखिए इसका भी उत्तर हमें मिल गया। तो आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि सफलता का क्या मूल मंत्र, अगर हमें बोर्ड्स में, जैसे हमारे जो ज़्यादा व्यूअर्स हैं वो विद्यार्थी गणी हैं, स्टूडेंट्स ही हमारे चैनल पे, तो अगर उन्हें बोर्ड्स में आपको बोले कि इनको ये टारगेट, जैसे कुछ ने बनाया हो कि हमें 95% हो जाए,
कुछ ने बुलाया कि हम पास ही हो जाए, तो उसका क्या है मतलब, क्या सफलता किस प्रकार उनको मेहनत किया, क्या है सफलता का? ये है मूल मंत्र कि सफलता मींस कि आपने जो टारगेट लेके चले हुए हैं, किसी ने परसेंटेज का टारगेट लिया, किसी ने पास होने का टारगेट लिया है, किसी ने टॉप होने का टारगेट लिया, मैं टॉप पर बनूंगा, तो उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, और उस टारगेट को जब आप अचीव कर लेते हो मेहनत से और रूटीन बना के, तो वो सफलता है, वही सफलता है। और सफलता क्या है, एक अलग अलग प्रकार की सफलता हो सकती है, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ होंगे तो मैं उस टारगेट के हिसाब से, मैं कहाँ सफल हुआ तो मैं उस हिसाब से टारगेट हो सकता है। कोई इंसान है जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, उसके लिए वो टारगेट है, तो वो सफल है अपने काम में। तो इसी तरह आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को क्या है कि किसी ने लिया हुआ है कि मैंने टॉपर बनना है, तो टॉपर के लिए मेरे को इतनी परसेंटेज चाहिए और इतनी रूटीन चाहिए और मैंने ये काम करना है, तो उस हिसाब से उसने उस टॉप पोजीशन को प्राप्त कर लिया, तो वो सफल है अपने लिए। जिसने सोचा कि मुझे पास होना है, मुझे इतने परसेंटेज लेनी है, उस परसेंटेज पे वो ले लेता है, तो वो सफल है अपने। और इसका तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक बच्चे को अच्छे नंबर या स्टूडेंट को अच्छे नंबर लाने हो, तो उनका पेरेंट्स का बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो उस पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस समय में अपने बच्चों के बोर्ड्स के, जब एक दो महीने रह गए आप जानते हैं अभी बोर्ड्स के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए बिल्कुल, और मोटिवेशन करना चाहिए बच्चों को, और रूटीन जो बच्चों की रूटीन है, दबाव में भी आते हैं कुछ बच्चे पेरेंट्स के, ज़्यादा पेरेंट्स के दबाव में, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी जगह सच्चे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बच्चे का कैरियर बर्बाद ना हो, तो वो बोलते हैं कि हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चे को बोलेंगे, तो वो बुरा नहीं मानना, बच्चों के लिए भी बुरा नहीं मानना, क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो आपके हित के लिए बोल रहे हैं, तो उस हित का पालन करना है। अगर वो डांट भी देते हैं तो उनके डांट को सुन लेना है और अमल करना है, जो डांटेंगे तो आपके हित के लिए डांट रहे हैं, जब क्योंकि वो आपकी सफलता चाहते हैं। जी, तो देखिए ये इन्होंने कुछ जो हमारे साथ टिप्स जो है वो अपनी शेयर की, और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टिप्स हैं, और मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तो अगर आप इनके, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, हिमालयन योगा में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और ये फेसबुक में भी आप हिमालयन योगा सर्च कर सकते हैं, और बल्कि आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो इनका जो है वो नाम या फिर इनकी जो इंस्टीट्यूट का जो है वो नाम आता है। तो आज के समय में कई सारे जो इनके आपके साथ जो जुड़े थे उन्होंने कई सुधार हुए हैं, तो किस प्रकार जो आप उनमें सुधार लाते हैं, फिर कोई अगर आप डिप्रेस या स्ट्रेस में कोई व्यक्ति आए तो हम व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इनर मोटिवेशन चाहिए या एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, कौन सी मोटिवेशन उसको जरूरत है, क्योंकि कुछ व्यक्ति मानसिक तौर से भी परेशान होकर आते हैं, कुछ बोलते हैं मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, तो हम उसको मेडिटेशन भी कराते हैं, मेडिटेशन के साथ उसको गाइड करते हैं, मोटिवेशंस की बुक हैं उनको पढ़ाते हैं, मोटिवेशंस की ऑडियो सुनाते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों से रुतबा कराते हैं जो लाइफ में चल फिर भी नहीं सकते, जिनकी आँखें नहीं हैं, टांग नहीं है, कुछ नहीं, उन्होंने इतिहास रच दिया है, तो उन्होंने कैसे, उन्होंने तो रस है, उनके लिए तो डिफ़िकल्टी आई है, तो वो सब हम चीज़ें बताते हैं और एग्जाम्पल हम देते हैं लोगों का, और जब मेहनत जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो कुछ ना कुछ कठिन दौर से ही पास आता है। देखिए इसका, और अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ, तो ये इनका एक इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि इनकी जो है वो टांग जो है वो कुछ किसी कारण जो है लग गई, और ये चल फिर भी नहीं सकते थे, मतलब अपने बिस्तर पर ही थे, बेड पर ही थे, मतलब ये उसके उन तब उस तब ये कोई ना राइटर थे ना कुछ, इन्होंने तब इतनी कोई किताब भी लिखी थी नहीं लिखी थी कोई किताब, तो उसके बाद भी इन्होंने और इनके पिताजी भी उस दौरान एक साल मैं बेड पे रहा, बेड पे चल फिर नहीं सकता था, मेरी फिमर बोन्स टूट गई थी जिसमें प्लेट अभी भी 8 प्लेटें उसमें देखी, और जब मैं बेड पे था, बेड में शुरुआत में ही मैंने सफलता का मार्ग किताब लिखी, वहीं बेड में शुरुआत की थी मैंने, तो आप कुछ समय स्ट्रेस या फिर कुछ डीमोटिवेट था, हुआ मैं भी डीमोटिवेट, पर मैंने बोला कि मैं डीमोटिवेट होने नहीं आया हूँ इस लाइफ में, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि गिरा हूँ चल फिर नहीं सकता हूँ, हो सकता है कि शायद मैं उम्र भर ना चल पाऊँ, पर मैं अपने आप से मोटिवेट हुआ, मैंने बुकें पढ़ी, मोटिवेशन की बुकें पढ़ी, और खुद मैंने मोटिवेशन की, मेरे को आज मैं हार मान रहा हूँ, तो हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों के साथ होती हैं, तो क्या वो भी हार मानेंगे, मुझे तो एग्जाम्पल बढ़ना है, क्योंकि इसलिए मैंने सफलता का मार्ग किताब लिखी, बेड पे लेटे लेटे मैंने उस किताब को कंप्लीट किया, और प्रैक्टिकल उस किताब में लिखा है कि कैसे जीतना है, और मैं जीता, मैं वो बाजी जीता, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, तो वो उसी का कारण है कि मैं मोटिवेट हुआ। उन्होंने कई सारे जो लोग हैं उनका भी सुधार किया इसमें, किसी को मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के ये आप कह सकते हैं कि आप उभरे, तो लास्ट में आज आप कुछ टिप्स, लास्ट टिप्स जो है ना कुछ दे दीजिए कि ये कर सफलता का क्या
मूल मंत्र क्या, लास्ट में वही सक्सेस। मैं तो यही चाहता हूँ सफलता, मेरा लास्ट मंत्र है, जो सफल होना चाहता है वो अपने गोल पे ध्यान दें, एकत्रित रहें, निराश ना हो। निराशा आती है तो उसको दरकिनार कर जाएं, क्योंकि जब आपने गोल बड़ा लिया होगा तो उसके लिए परेशानियाँ भी बहुत बड़ी होंगी। उस परेशानियों को जीतना है, कठिन दौर को जीतना है। सफल वही व्यक्ति होता है जो हार नहीं मानता है, क्योंकि लास्ट में ये कहना चाहूँगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो कोशिश नहीं करता उसकी कभी जय जयकार नहीं होती। इसलिए कोशिश करना नहीं छोड़ना है। आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते हो तो आप रेंगो रेंगो, पर आप हिलजुल करो, जो टारगेट लेके चले हैं उसको फोकस करो। हर राजा की अपनी अपनी लड़ाई है। मैं सोचो कि मैं पीछे रह गया हूँ, मैं अब आगे नहीं बन सकता। हर राजा की अपनी अपनी लड़ाई है, इतिहास गवाह है, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी लाइफ है। दूसरों को देख के आपने अपनी लाइफ को डिमोटिवेट नहीं करना है, मेरा फ्रेंड मेरा सर्कल आगे बढ़ गया। इसी से मैं एक सवाल भी एक आया कि आज के टाइम में क्या कि विद्यार्थी एक दूसरे को देख रहे हैं कि इसके 95 तो मैं भी 96 के लिए भागू, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये लाइफ में ही नहीं देखना है कि यार मेरा फ्रेंड मेरा सर्कल मेरा दोस्त आगे बढ़ गया है, वो उसकी अपनी लाइफ है उसको। तभी तो मैं बोल रहा हूँ हर राजा की अपनी अपनी लड़ाई है। अब मेरे जो फ्रेंड है वो मेरे के फ्रेंड है बहुत टॉप पोजिशन पे हैं, तो क्या वो मैं निराश हो जाऊँ उनकी टॉप पोजीशन देख के? नहीं, मैं जो कि निराश होना, मुझे तो मोटिवेट होना उनसे भी, तो निराशा होने नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी लड़ाई। अगर आप थोड़े से पीछे भी रह सकते जाते हो तो भी निराश नहीं होना। हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई है, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ है। तो हर राजा की भी अपनी लड़ाई है, राजा भी ने डिफरेंट डिफरेंट लड़ाई लड़ी हैं, फिर वो जीते हैं। इसलिए आपकी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है आपका अपना स्ट्रगल है, और निराशा नहीं होना है। दूसरों की ये नहीं सोचना कि वो मैं पीछे रह गया हूँ दूसरे आगे रह गए, ये बिल्कुल भी आपने दिमाग में नहीं रखना है। सिर्फ अपने टारगेट और अपने फोकस पे लगे रहना है। जो व्यक्ति लगा रहता है वो कामयाब जरूर होता है। जी, तो धन्यवाद, आपने हमें इतना जो इम्पोर्टेंट अपना प्रीशियस टाइम दिया। तो बहुत मुश्किल से जो है हमें ये मिले, मैं आपका इंटरव्यू करवाना चाहता था ताकि जो हमारे 800 दर्शक जो हैं और कुछ और भी, तो आपको देखें, आपसे कुछ प्रेरणा लें, और इनकी किताब जो है फिर से मंगवा सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी, और जो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप प्लीज़ प्लीज़ उसे पढ़िए। मतलब बहुत ही मोटिवेटेड वो बुक है, और कई सारी इनकी किताबें हैं, सफलता का व्यवहारिक आयाम, सफलता का मार्ग, कई सारी सोचने जी हर फील्ड में। तो हिमालयन योगा से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको उसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और फेसबुक गूगल में इंस्टाग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।